हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुलिस अराइव वाला पिगी बैंक। दोस्तों काफी कमाल का पिगी बैंक है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसके लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक घंटे के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस पिगी बैंक के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला पिगी बैंक दोस्तों फेस को रिकॉग्निशन करता है, यानी कि आपको फेस को कैप्चर करने के बाद में अनलॉक होता है। तो काफी अच्छी फैसिलिटी इसके साथ में और काफी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। आपको ये पिगी बैंक कैसा लगा है जल्दी से इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। होप सो ये पिगी बैंक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहां से इसे बाहर की ओर निकाल लेता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों काफी कमाल का पिगी बैंक है। यहाँ से इस तरह से इसकी पूरी पैकिंग आई हुई है। यहाँ पे कुछ इसके साथ में इंस्ट्रक्शन कीज दी गई है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी इसके साथ में दिए गए हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर कनेक्ट करने होंगे। यहाँ से हम इसे पूरी तरह बाहर की ओर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसकी पैकिंग काफी कमाल की आई हुई है और यहाँ से मैंने अब इसे निकाल लिया है बाहर। और दोस्तों देख सकते हैं कि लुकिंग वाइज कितनी कमाल की लग रही है। दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है ये और काफी ज्यादा बेस्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा ओरिजिनल क्वालिटी की ये जीप बनी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस अराइव, सॉरी पुलिस ब्रेव। ओहो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे इसका बैटरी का कंपार्टमेंट आ जाता है, तो यहाँ पे हमें बैटरी को इंसर्ट करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे इसकी अनलॉक कीज़ दी गई है, तो यहाँ से हमें इसे अनलॉक करना होता है। फेस रिकॉग्निशन यहाँ पर दिया गया है और इसका जो पासवर्ड है दोस्तों वो 3 बार 0 हमें दबाना होगा, उसके बाद में ही ये अनलॉक होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम यहाँ से इसे रेडी करके देख लेते हैं। और यहाँ पे बैटरी लगानी होगी हमें, तो बैटरी लगाने के लिए इस कंपार्टमेंट को हमें ओपन करना होगा। तो यहाँ पर हम बैटरी लगा देते हैं इसकी। गाइस बैटरी तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी है, यहाँ से हम कर देते हैं इसको लॉक। तो गाइस यहाँ से तो ये लॉक हो चुका है और इसको रखते हैं हम यहाँ पर। और गाइस इसके साथ में कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर की ओर लगेगा और एक गन आ जाती है इसके साथ में कुछ इस तरह से, तो वो भी हमें यहाँ पर फिट करनी होगी। तो हम यहाँ पर इसे फिट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये यहाँ पर फिट हो चुकी है और दूसरी वाली भी हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये फिट हो चुकी है और लुकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है दोस्तों। और अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं। तो इसका कोई कीज़ दबा के हमें चेक करना होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप सुन पा रहे हैं कुछ इस तरह से इसमें साउंड निकल कर आ रहा है। और इसका जो पासवर्ड है वो 3 बार 0 दबाना होता है, उसके बाद ही अनलॉक होता है। तो वो हम करके चेक कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं किस तरह से इसने मेरा फेस को रिकॉग्नाइज किया और यहाँ से पूरी तरह ये ओपन हो चुका है। तो गाइस देख सकते हैं कि कितना बड़ा कंपार्टमेंट दिया गया है, यानी कि बहुत सारा पैसा इसके अंदर आ सकता है। तो अभी फिलहाल में करते हैं हम यहाँ से इसको लॉक और इसके लिए हम रखते हैं बहुत सारी मनी जिसे हमें इसके अंदर डालना होगा, तो वो हम करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पे हमारी जीप रेडी है, तो इस जगह पर हमें कॉइन डालना होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉइन डालने का कंपार्टमेंट दिया गया है, तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे कॉइन डालना होता है। इस तरह से इसके अंदर कॉइन गया है, दूसरा वाला कॉइन मैं यहाँ पे डालूंगा। तो इस तरह से कॉइन जा चुका है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे नोट डालने का कंपार्टमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे हमें नोट को इंसर्ट करना होगा, तो वो भी हम डालकर देख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो देखा आपने काफी आसानी से इसके अंदर नोट जा चुका है, हम फिर से ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमें नोट को रखना होता है और ये ऑटोमेटिकली ही नोट को अंदर ले लेता है। देख सकते हैं किस तरह से हमारा नोट अंदर जा रहा है। तो गाइस काफ़ी कमाल की मशीन है, देख सकते हैं आपकी कितनी आसानी से हमारे सारे नोट को खा रहा है। होप सो ये पिगी बैंक आपको पसंद आया, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हमारा नोट यहाँ पर अटक चुका है, हम फिर से निकाल लेते हैं इसको और फिर से डालेंगे इसके अंदर।
देखा आपने गाइस किस तरह से इसने सारे नोट को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा गाइस इसका पासवर्ड चेंज करना भी काफी ज्यादा आसान है। पासवर्ड चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसे अनलॉक करना होता है। अनलॉक करने के लिए इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड दिया गया है वो हमें दबाना होगा, यानी कि 3 बार 0 1 2 3, ये 3 बार हमने 0 प्रेस किया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन के अलावा ये आपके हैंड को भी सेंसर के हिसाब से कनेक्ट कर लेता है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब यहाँ से ये अनलॉक हो चुका है। अनलॉक करने के बाद हम इसका पासवर्ड चेंज करेंगे, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए हमें स्टार की को कंटिन्यूसली प्रेस करके रखना होगा। और जो भी नया पासवर्ड है, यानी कि अगर हम 000 के अलावा यहाँ पे 123 भी डाल सकते हैं, और यहाँ से हमें हैश की के थ्रू इसे कन्फर्म करना होगा। तो ये मैंने इसे कन्फर्म कर दिया है, यानी कि इसका पासवर्ड चेंज हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ से मैं इसे करता हूँ लॉक, और अब हम दोबारा से इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो हम जो नया पासवर्ड डाला था वो डालेंगे यहाँ पे 123, तो देख सकते हैं तो इस तरह से ये अनलॉक हो चुका है। तो है ना काफ़ी कमाल का। तो गाइज आज का हमारा पिगी बैंक आपको कैसा लगा है जल्दी से इसके बारे में कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। होप सो ये वाला पिगी बैंक आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अब मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, अगर आप ये वाला पिगी बैंक ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली 1600 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो है ना काफी कमाल का। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, अब हम आपसे मुलाकात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉयस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।